हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कुक एंड चैट विद निमिषा। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट आइडिया नंबर 6 की हमारी रेसिपी है मुंबई स्पेशल सैंडविच। बहुत ज़्यादा खाया जाता है वहाँ पे और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है। मुंबई सैंडविच का एक अलग ही मसाला होता है, वो भी आज हम बनाएंगे। तो जल्दी से तैयारी करते हैं रेसिपी की। तो दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मुंबई सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे, क्योंकि वो ही मेन है। बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है अगर हम ये मसाला यूज करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है 1/2 कप जीरा, जिसको मैंने रोस्ट कर दिया है। और उसके बाद में मैं ले रही हूँ 4 टीस्पून रोस्टेड सौंफ, उसको भी मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर दिया है मैंने इन दोनों को। और अब मैं ले रही हूँ थोड़े से अबाउट 1 टीस्पून के करीब लौंग ले रही हूँ। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है मैंने। और 4 टीस्पून मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ मैं। 2 टीस्पून आमचूर पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून काला नमक ब्लैक सॉल्ट लिया है। और अब हम इन सभी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सैंडविच मसाला एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। और आप इसे एक एयर टाइट डब्बे में रखिए और जब भी आप सैंडविच बना रहे हैं आप यूज करिए। तो अब चलिए सैंडविच बनाने की तैयारी करते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बॉईल किया हुआ आलू ले लिया है और एक बड़ा प्याज ले लिया है। इधर कुकुम्बर ले लिया है मैंने, खीरा और टमाटर, और ये मैंने बीट रूट लिया है जिसे थोड़ा सा मैंने बॉईल कर दिया है। सभी को मैंने बिल्कुल राउंड शेप में कट कर लिया है। और ब्रेड ले ली है और तैयारी करते हैं सैंडविच की। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो ब्रेड ली है उसके हम लोग एजेस निकाल लेंगे, किनारे, ये हमें नहीं चाहिए सैंडविच में। बिल्कुल धीरे से, और अब इस पे बटर लगाएंगे अच्छे से। बटर हम अच्छे से लगाएं बिल्कुल, ताकि और भी ज्यादा टेस्ट लगे। दोनों साइड में बटर लगाएंगे और अब हम इसे पलट के दूसरी तरफ भी अच्छे से बटर लगाएंगे। बटर लगाने के बाद में हम इस पे थोड़ी सी ग्रीन चटनी लगाएंगे। ध्यान रखें चटनी बनाते समय कि इसमें ज्यादा पानी ऐड नहीं करें, अदरवाइज ये ब्रेड को थोड़ा सा मॉइस्चर कर देगी। और एक और टिप के जब भी आप चटनी बना रहे हैं तो उसमें पानी की जगह अगर आप आइस क्यूब्स डाल रहे हैं तो चटनी बिल्कुल ग्रीन ही बनेगी, उसका जो नेचुरल कलर है ग्रीन कलर वो नहीं जाएगा। और चटनी लगाने के बाद में अब इसके ऊपर हम ये सबसे पहले लेयर लगाएंगे जो हमने आलू लिया है उसकी, और उसके बाद में जो हम मसाला हमने अभी पीसा है वो लगाएंगे। अगर आप ये मसाला नहीं पीसना चाहते हैं, जल्दबाजी में हैं, तो आप इसकी जगह चाट मसाले का भी यूज कर सकते हैं। और मसाला लगाने के बाद में अब हम ये जो हमने अनियन कट किया था उसकी ये रिंग्स निकाल के हम इसके ऊपर लगाएंगे। और अगेन थोड़ा सा मसाला हम डालेंगे और फिर उसके ऊपर हम डाल रहे हैं खीरा और फिर थोड़ा मसाला ऐड करेंगे और फिर उसके ऊपर हम टमाटर, अगेन थोड़ा मसाला, और अब हम इसके ऊपर बीटरूट रख देंगे और ये जो दूसरी ब्रेड है उससे हम इसको धीरे से कवर करके हल्का सा दबा देंगे और फिर ये सेकने के लिए तैयार है। तो सेकने के लिए मैं यहाँ पे हैंड टोस्टर का यूज कर रही हूँ, इससे बहुत ज्यादा अच्छा सिकेगी ये जो भी हम सैंडविच बना रहे हैं। और इसमें मेरे को इसलिए ये ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये हम लोग हमारी इच्छा के अनुसार जितना हमको ज्यादा अच्छा सेकना है वो हम सेक सकते हैं। तो चलिए अब इसको सेकते हैं।
तो यहां मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, मैंने बिल्कुल मीडियम रख रखा है। एक बार ये हल्का गर्म हो जाए उसके बाद में आप बिल्कुल लो कर दीजिए और उसको इसी तरीके से पलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। एक बार जरूर चेक कर लें बीच में, और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गया है ये। तो चलिए इसी तरीके से सारे सैंडविचेस बनाते हैं। तो ये देखिए सैंडविचेस तैयार हैं, और अब हम इन्हें थोड़ा सा हल्का सा बीच में से कट कर देंगे धीरे से। ये देखिए, और अब हम इन्हें सर्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए तैयार है मुंबईया सैंडविच, और मॉनसून चल रहा है और बरसात में सैंडविचेस पकोड़े और इनके साथ में अगर गरम गरम मसाला टी हो जाए तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाए। तो आज का ब्रेकफास्ट हमने आपने देखा बहुत ही शानदार लगने वाला है, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई ब्रेकफास्ट रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।